तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर मैं लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहा था अध्याय तीन से संबंधित। मैं आपको दो पार्ट की वीडियो दे चुका हूं। पहले नंबर के पार्ट में हमने एक नंबर वाले क्वेश्चन पर डिस्कशन किया, सेकेंड पार्ट में हमने दो नंबर वाले क्वेश्चन पर डिस्कशन किया, और आज की इस क्लास में मैं आपको पार्ट तीन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। भाग थ्री के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ और आज की सेशन का आनंद उठाइए। देख लीजिए, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमारा जो मिशन चल रहा था, वो क्या था? छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं टकेश्वर साहू आपको पढ़ाता हूं कक्षा दसवीं विषय गणित को। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था अध्याय तीन, एक चर का द्विघात समीकरण, ये होने वाला है भाग तीन। भाग तीन में हम तीन नंबर वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे। इसके बाद इसका एक और भाग आएगा जहां पर हम छह नंबर वाले क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम सीधा सीधा अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। और ये रहा हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन, देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण का गुणन खंडन करके उनके मूल ज्ञात करना है। हमें एक वर्ग समीकरण यहां पर दिया गया है, 6x² + 7x + 2 = 0, और यह पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2020 सेट बी में पूछा गया था। यह तीन नंबर के लिए क्वेश्चन था, इसलिए तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार का क्वेश्चन सेट ए में भी और सेट सी में भी पूछा गया था। आ जाइए, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मुद्दा यह है इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे ताकि हमें पूरा पूरा अंक मिलने वाले हैं, ठीक है? चलिए, यहां पर मैंने लिखा हल। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दिया गया है उसको हम उतार लेंगे। तो दिया है समीकरण, दिया है समीकरण। चलिए, तो क्या समीकरण हमें दिया गया है, यह हमें दिया गया है 6x² + 7x + 2 = 0। यह हमें समीकरण दिया गया, बिल्कुल दिया गया सर। आ जाओ, हमें यहां पर x का मान निकालना है, ठीक है बच्चों? गुणन खंडन करके x का मान निकालना है या फिर मूल ज्ञात कीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए, तो गुणन खंडन में हम करते क्या, मध्य पद को तोड़कर हम करने वाले हैं गुणन खंड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का गुणांक को देखते हैं। यहां पर 6 है, 6 का गुणन लास्ट वाले पद के साथ करते हैं, 2 है, तो 6 का गुणा करूंगा मैं 2 से, तो हमें मिल जाएगा 12। मैंने इसको लिखा रफ पे, कहां पर लिखा, रफ में लिखा, बिल्कुल लिख दिया। अब आपका जो पूरा फोकस है वो 12 पर होना चाहिए, और यहां पर जो लिखा हुआ 7x को फिलहाल अभी छोड़ो, इसके गुणांक बस को देखो क्या है, 7 है। क्या बच्चों, 7 है। तो मैं अब यहां पर दो कंडीशन बोलने वाला हूं। क्या बोलने वाला हूं, दो कंडीशन। खैर, मैं इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं अध्याय एक बहुपद में, बहुपद में भी हमने मध्य पद को तोड़कर गुणन खंडन करना सीख लिया है। तो अब आपका पूरा जो फोकस है वो कहां पर होना चाहिए, इसके मध्य वाले पद में होना चाहिए, यानी कि 7 पर होना चाहिए। अभी फिलहाल x को छोड़ दो, ठीक है? चलिए, तो हमें 7 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना होता है जिससे हम गुणा करें तो आना चाहिए 12, और जिसे हम जोड़ दें या फिर घटा दें तो मिलना चाहिए हमें 7। मैंने दो कंडीशन बोल दी, क्या क्या, 7 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना, ब्रेक करना है कि जिसे हम गुणा करेंगे तो 12 आना चाहिए, और जिसे हम जोड़ दें या फिर घटा दें तो हमें मिलना चाहिए 7। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। देखो, तो ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपको निकाल लेना है 12 का फैक्टर, गुणन खंडन ज्ञात कर लेना है, यानी कि 12 कौन कौन सी संख्याओं के पहाड़े पर आता है। तो बिल्कुल, 1 के पहाड़े पर आता है 12, जो है 2 के पहाड़े पर भी आता है, 3 के पहाड़े पर भी आता है, 4 के पहाड़े पर भी आता है, 6 के पहाड़े पर आता है, और स्वयं 12 के पहाड़े पर भी आता है। तो 12 जो है वो इतने सारे संख्याओं के पहाड़े पर आता है, बिल्कुल। तो जो मैं दो संख्या बोल रहा था वो दो संख्या इन्हीं में से कोई दो होने वाली है, ठीक है? चलिए, अब हम यह सोचना है कि हमें इतने सारे संख्या मिल चुका है, 6 संख्या मिल चुके हैं, 6 में से कौन दो संख्या होने वाली है। तो अब यहां पर सोचना पड़ेगा, मुझे देखते ही पता चल चुका 3 और 4 को अगर मैं गुणा कर दूं, 3 और 4 को मैं गुणा कर दूं तो हमें मिलने वाला है 12। पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। 3 और 4 को जोड़ देंगे, 3 और 4 को हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी कि 7 को हम दो नंबर में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, वो कौन कौन सी संख्या है, 3 और 4 में हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है? यहां तक की बात क्लियर। यही पर मेन खेल रहता है, अगर इतना काम कर लिया तो आपका 80% काम हो चुका है, बस बाकी यहां पर लिखने की जरूरत पड़ने वाली। आ जाओ, तो 7 को हम 4 और 3 दो संख्याओं में तोड़ने वाले हैं। तोड़ेंगे कैसे, देखो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको पता है,
पहले वाले पद और लास्ट वाले पद को लिख देना है। तो हमें यहां पर दिया गया है, थोड़ा सा इस तरह लिखता हूं इसको, 6x2। ये पहला वाला पद धन है तो धन, फिर लास्ट वाले पद में क्या है, धन 2 = 0। अब हम इसको तोड़ने जा रहे हैं 7x को, तो दो संख्याओं में मैंने तोड़ा हुआ था 4, यहां पर x लिखा हुआ तो x भी लिख देना है, फिर धन 3x, 4x और धन 3x को दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 7x, 4 और 3 दोनों के गुणांकों को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, बिल्कुल क्लियर है सर। नेक्स्ट स्टेप में हम करते क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पेयर बना लेना, जोड़ा बना लेना, दो दो का जोड़ा, इसको जोड़ा बनाया मैंने और इसको जोड़ा बनाया, यहां पर मुझे एक से दिख गया, यहां पर भी एक से दिख रहा है, मैंने दोनों जगह से एक से को बड़े आराम से निकाल लिया, कॉमन बिल्कुल निकाल लिया सर। देखो क्या 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 × 2 = 6 होता है। क्या 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों जगह अब मिल चुके, दो दोनों को मैं निकाल लेता हूं कॉमन, मैंने यहां पर 2 को भी कॉमन निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। 6 को हमने लिखा था 3 × 2, 1 × 2 को मैंने कॉमन निकाला तो 3 बचा हुआ है। साथ में देखो यहां पर 1x² था, 1x को कॉमन निकाला, अभी भी 1x बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3x+, ठीक है, प्लस तो प्लस। 4 को हमने लिखा था 2 × 2, 1 × 2 को कॉमन निकाला है तो 1 × 2 बचा हुआ है, अब यहां पर 1 से नहीं बचा है क्योंकि 1 से को हमने कॉमन निकाल लिया है, यहां पर समझने की जरूरत पड़ने वाली थी, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसको हम लिखते हैं एज इट इज, 3x + 2 = हो चुका है ये 0, बिल्कुल सर क्लियर रहा था खाली। अब यहां पर 3x + 2 है और यहां पर भी 3x + 2 है, अगर हम दोनों जगह से 3x + 2 को मैंने निकाल लिया कॉमन, इसको कॉमन निकाले हैं तो इसको कॉमन निकालने के बाद इसके जगह क्या बचा हुआ है, बस बच चुका है 2x बच चुका, फिर प्लस है तो प्लस, इसको कॉमन निकालने हैं तो यहां पर ये लिखा गया कॉमन में, अब इसके जगह क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, ध्यान रखना 0 नहीं लिखेंगे, क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, कॉमन निकाल ले तो 1 बच गया, बराबर के बाद 0 तो 0 लिख दिया, ठीक है सर, यहां तक की भी कहानी क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 3x + 2 है और ये 2x + 1, ये जो बराबर के बाद जो 0 लिखा हुआ ना, वो दोनों का है, दोनों का है, तो दोनों को हम अगले वाले में ब्रेक कर देंगे, दोनों को अलग अलग लिख देंगे, कैसे करेंगे आ जाओ, यहीं पर इसको बता देता हूं, देखो यहीं पर इसको मैं सॉल्व करा देता हूं, ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ देखो चलो बताओ क्या करेंगे, तो हम बराबर के बाद जो 0 लिखा हुआ है उसको अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 2 = 0, व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1 = 0, बराबर के बाद 0 को अलग अलग कर दिए, बिल्कुल कर दिए सर। अब क्या होगा, हमें निकालना x का मान, तो ये हो जाएगा 3x = 2, 3 = -2, 3x = -2 होगा, +2 को हम पक्षांतर करें तो -2 में बदल जाएगा, वह यहां पर क्या हो जाएगा 2x = -1, 1 को मैंने कर दिया पक्षांतर, x का मान निकालना है तो x के साथ जो गुणा में है वो जाएगा भाग में, तो x बराबर हमें मिल चुका 1 मान, √2/3 मिल चुका, वह x का एक और मान मिलेगा √1/2। मैं आपको शुरू वाले ही क्लास में बता दिया था कि जब भी आपको वर्ग समीकरण दिया जाएगा आपको उसको दो हल मिलेंगे, दो मूल प्राप्त होते, कितने, अधिकतम दो हल मिलते हैं, दो मूल प्राप्त होते हैं, यहां पर भी हमें 1 के 2 मान मिल चुके हैं, दो हल मिल चुके हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः दिए गए वर्ग समीकरण या फिर द्विघात समीकरण, दोनों मतलब एक ही है, वर्ग समीकरण के मूल √2/3 व √1/2 है, ये होना चाहिए हमारा फाइनल आंसर। दो नंबर के लिए पूछे, 3 नंबर के लिए पूछे, कितने भी नंबर के लिए पूछे, आप इसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा फाइनल कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिखना रहेगा, पहला नंबर हमने क्वेश्चन देख लिया। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोला है, वर्ग समीकरण x² - 10x = 0 को हल कीजिए। हल करने का मतलब या बोले या फिर मूल ज्ञात कीजिए, दोनों का मतलब एक होता है, हल करने बोले या फिर मूल ज्ञात करने, मतलब कि आपको हल ही करना है, आज हल कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चूंकि ये वर्ग समीकरण है तो वापस से बात कि इसके दो हल मिलेंगे आपको, कितने, दो हल मिलेंगे, x के 2 मान मिलने वाले हैं। तो सबसे शुरू लाइन में मैंने क्या किया, जो हमें समीकरण दिया गया है ना उसी को मैं उतारना चाहूंगा। तो हमें जो समीकरण दिया गया है वो क्या है, x² - 10x = 0, ये हमें समीकरण दिया गया, बिल्कुल सर दिया गया सर। हमें इसको हल करना है, यानी कि x का मान पता करना है। देखो कैसे करेंगे, चलो
यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है, यहां पर दो एक्स है और यहां पर एक एक्स है। चलो ना हम दोनों जगह से एक्स को निकाल लेते हैं कॉमन, बिल्कुल निकाल लिए। यहां पर एक स्क्वायर था, दो एक्स थे, तो एक एक्स को कॉमन निकाला, अभी भी एक एक्स बचा हुआ है। यहां पर एक्स को मैंने कॉमन निकाला तो माइनस टेन अभी भी बचा हुआ है, इज इक्वल टू बराबर ये हो चुका जीरो। यहां तक की कहानी क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, देखो तो जो बराबर के बाद जो जीरो लिखा हुआ ना वो एक्स का भी है और एक्स माइनस टेन का भी है, दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर सर। तो एक्स का मान हमें एक मिल चुका, एक्स का एक मान मिल चुका जीरो, यहां से हमें एक्स का एक और मान मिलेगा, माइनस टेन को पक्षांतर करूंगा तो ये हमें मिल जाएगा प्लस टेन। क्या मिल चुका? प्लस टेन मिल चुका, ठीक है। अतः एक्स के हमें दो मान प्राप्त हो चुके हैं, अतः एक्स बराबर, अतः एक्स के हमें दो मान प्राप्त हो चुके हैं, एक है शून्य और एक क्या है दस है। यानी कि दिए गए वर्ग समीकरण का हल क्या हो जाएगा? शून्य व दस हो जाएगा, शून्य व दस हो जाएगा। या फिर मूल पूछ लेगा तो मूल और हल दोनों एक ही होता है, दोनों को निकालते एक ही तरह से, दोनों है ही एक ही चीज, ठीक है। तो एक से बराबर मिल चुका शून्य व दस, ये हमारा कंप्लीट आंसर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है जनरली तीन नंबर के लिए नहीं पूछे जाएंगे, एक नंबर या फिर दो नंबर के लिए ही पूछे जाएंगे, क्योंकि चार लाइन में यह सॉल्व हो गया, तो यह क्वेश्चन जो है वह एक नंबर या फिर दो नंबर में ही देखने के लिए मिलने वाला। चलिए अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया प्रश्न क्रमांक तीन, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्म में पूछ सकता है, दूसरा मेथड से पूछ सकता है, अथवा करके लिखा हुआ है के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, यदि यदि हमें यहां पर एक समीकरण दिया गया, ठीक है बच्चों। यहां पर हमें करना क्या, देखो हमें इसको सॉल्व करना है और के का मान निकालना है। क्या निकालना है? के का मान निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कर देंगे, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चूंकि ये क्वेश्चन तीन नंबर के लिए पूछे जाएंगे तो तीन नंबर के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ये पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2020 सेट ए, सेट बी और सेट सी दोनों में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सब क्वेश्चन को नहीं करेंगे हम, टाइप सब क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्टों को सीखने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ तो पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा पता है, जो हमें समीकरण दिया गया उसी को मैं उतार दूंगा। तो दिया है समीकरण, क्या हमें वर्ग समीकरण दिया है, तो यहां पर हम अच्छे से दिख रहा है के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हमें वर्ग समीकरण दिया गया है। हमें निकालना है के का मान, क्या निकालना है? के का मान हमें निकालना है, और एक कंडीशन दे दी गई थी कि मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। सबसे शुरू वाला क्लास जहां पर मैं आपको मूलों की प्रकृति के बारे में बताया हुआ था, तो यहां पर बोला गया मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो मूल वास्तविक एवं बराबर कब होते हैं? यदि डी का मान जीरो के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं। और डी हम निकालते कैसे हैं? तो डी का निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखवा चुका हूं, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की जरूरत पड़ने वाली है, ए बी सी की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना मैं कर दूंगा मानक वर्ग समीकरण से, और वहां से हमें मिलता है ए बी सी का मान। चलो आ जाओ तो हम यहां पर लिखेंगे, चलो इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर एक, दे दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण। ये क्या होता है? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से करने पर, से करने पर। चलिए तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए एबीसी का मान मिलेगा, ऑब्वियसली एबीसी का ही मान निकालने के लिए हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ देखो, तो यहां पर पहला पद है ए एक्स स्क्वायर और यहां पर पहला पद क्या दिख रहा है, के एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां का एक्स स्क्वायर और यहां का एक्स स्क्वायर निपट गया तो एक ही जगह यहां पर क्या दिखेगा आपको, दिख रहा है के, एक ही जगह क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, बिल्कुल ए का मान हो गया के। फिर दूसरे वाले पद में आते हैं तो यहां पर बी एक्स है, यहां पर फोर एक्स है, ये एक्स और ये एक्स निपट गया तो बी इज इक्वल टू हमें मिल चुका फोर, बी का मान क्या मिला, फोर मिल चुका, ठीक है सर, बिल्कुल। सी की जगह यहां पर आपको क्या दिखेगा, लास्ट वाले पद में एक दिखेगा, वही हमारा सी का मान हो जाएगा, सी बराबर हमें मिल चुका एक, सी बराबर क्या मिल चुका, एक मिल चुका। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। अब यहां पर हम अपने कंडीशन को पढ़ते हैं, तो बोला गया था मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, चूंकि करके हम यहां पर लिखेंगे, चूंकि मूल वास्तविक एवं बराबर है। आ जाओ तो ये हो जाएगा चूंकि, चूंकि मूल वास्तविक, वास्तविक
एवं बराबर है, एवं बराबर है। और मूल वास्तविक एवं बराबर कब होते हैं? जब d का मान आ जाए जीरो के बराबर। इसलिए इसलिए d बराबर ये हो जाएगा जीरो। d बराबर क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। और d का मान हम कैसे निकालते हैं? तो इसको हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर के बाद जीरो, बराबर के बाद जीरो को चिपका दिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो बी स्क्वायर बी बी की वैल्यू क्या है? तो बी की वैल्यू हमने निकाला हुआ चार, तो चार की घात में लगा देंगे दो, माइनस है तो माइनस फोर। फिर ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है के, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा के। फिर सी की वैल्यू क्या? एक है, तो यहां पर आ चुका एक, बराबर के बाद लग चुका जीरो। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या सॉल्व होगा? चार का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा सोलह। क्या हो चुका? सोलह हो चुका, ठीक है। माइनस चार का गुणा करेंगे के से, तो के ही आएगा, फोर के हो जाएगा ना, ये हो जाएगा फोर के। अब फोर के का गुणा करेंगे एक से, तो फोर के ही आएगा, बराबर के बाद लग गया जीरो। बराबर के बाद क्या लग गया? जीरो। हमें निकालना है किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है, ठीक है बच्चों, के का मान निकालना है। अब के का मान हम निकाल लेंगे कैसे, ठीक है, चलो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है के का मान, तो मैं क्या करूंगा, सोलह को यहीं पर रखा, फोर के को मैंने पक्षांतर कर दिया, तो 4k जो माइनस में था वो प्लस में लिखा गया। हमें निकालना k का मान, तो k को मैं पहले लिख देना चाहूंगा, तो k बराबर 16 बटा ये हो जाएगा 4, ठीक है। 4 जो कि गुणा में था k के साथ, वो आ गया भाग में, तो ये निपट जाएगा 4 एकम 4, 4 से 4 बार में निपट जाएगा, तो k बराबर हमें मिल चुका 4। k बराबर क्या मिल चुका? 4 मिल चुका। अतः k बराबर क्या आ चुका? 4 आ चुका। ये हमारा फाइनल कंप्लीट आंसर होना चाहिए। इस तरह से आप k का मान निकालेंगे जब मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो विभेदक, विभेदक या फिर विभक्तर को 0 के बराबर ले लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और आपको k का मान मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2022 सीएट ए में, पिछले साल का ही क्वेश्चन, मैंने पीवाईक्यूज भी करा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, देख लीजिए, नहीं खत्म हो गया, देख लो। तो यहां पर आज की इस क्लास में मैंने तीन क्वेश्चन बता दिया जो कि तीन नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। अगर बच्चों कहीं पर भी दिक्कत आती है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछना है। अगर कई बच्चों को लगता है कि सर हमें और एकदम डीपली पढ़ना है, अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आप एप्लीकेशन पर आइए। एप्लीकेशन पर मैंने कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों कक्षाओं को अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपके गणित सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है, आप वहां पर जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसका एक पार्ट और आएगा, पार्ट नंबर 4, जहां पर मैं डिस्कशन करूंगा 6 नंबर वाले क्वेश्चन पर। चूंकि ये अध्याय एक ऐसा है, कभी कभी 6 नंबर के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाता है, तो उसको भी हम डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है, कम पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो इसका एक और पार्ट आएगा जहां पर हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज जो मैंने पढ़ाया बच्चों, मैं ये आशा करूंगा कि आपने बिल्कुल अपने कॉपी में लिखते हुए चले होंगे, नोट से बनाया होगा, और एक बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।